मैं पृथ्वी आर्ट एंड कल्चर सेंटर में हूँ और मेरे साथ संगीता जी हैं। संगीता जी इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुकी हैं और पिछले 35 साल से पेंटिंग कर रही हैं और पोइट्री कर रही हैं। पोइट्री तो बचपन से ही कर रही हैं आप? बचपन से ही पोइट्री का शौक था और साथ में आर्ट का भी, पर मेरे फादर चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ या किसी भी प्रोफेशन में जाऊँ, अपने पैर पर खड़ी रहूँ। तो ये हमने उसको करा तो, मगर उसको ऐसे सीरियसली इतना नहीं कर पाए जैसे कि करना चाहते थे। सबसे पहले मुझे लेक्चरशिप मिली और मैं 21 साल की उम्र में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लगी अंडर ग्रेजुएट्स को। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज दिया, उसको भी क्वालिफाई किया वहाँ से छोड़ के। फिर मैं सिविल सर्विसेज में 84 बैच में इनकम टैक्स में एकेडमी में गई, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद इलाहाबाद मेरी पोस्टिंग हुई। तो यहाँ पर आपकी आर्ट गैलरी भी है, यहाँ पर आप काम भी करती हैं, पेंटिंग भी? हाँ, ये मेरा स्टूडियो है। मैं साल में 3-4 आर्ट के मेजर इवेंट्स करती हूँ और पोइट्री के तो हर महीने हो जाता है, तो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। जिस ये चौथा इवेंट है जो अभी 25 मई को शुरू हुआ है। इसके पहले हमने जनवरी में जब आर्ट फेयर चल रहा था तो एक पैरेलल इवेंट किया था, उसमें 6 आर्टिस्ट थे, 2 इंडियन आर्टिस्ट थे, एक मैं और कंचन चंदर का प्रिंट्स लिया था हमने। और इंडिया के बाहर से 4 आर्टिस्ट थे, एक इंग्लैंड से, एक फ्रांस से, एक नॉर्वे से और एक ताइवान से। तो ये मेरा जो आप शो देख रहे हैं ये 34th सोलो है। अच्छा। और फुल टाइम जॉब के साथ भी कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी थी और कुछ मैं मेहनती भी हूँ, तो मैं रोज़ काम करती थी अपने स्टूडियो में। जॉब के बाद आके रात को अर्ली डिनर करके फिर 9 बजे के बाद 1-2 घंटे तो कम से कम हर दिन काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं स्टूडियो में रहती हूँ 2 घंटे। इस एग्जीबिशन की थी मैं, इसका टाइटल है रोशनी का सफ़र 61 स्टेप्स। मैं डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही थी, तो क्योंकि एक बड़े क्राइसिस से जब कोई भी इंसान गुजरता है तो वो बड़ा अंधेरा सा एक टाइम होता है जिससे आप रोशनी की तरफ, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमन बीइंग का भी और पौधों का भी कि वो रोशनी की तरफ मुड़ते हैं। तो ये पूरा सफ़र रोशनी का था, इसलिए मैंने ये कलर्स यूज़ किए। तो ये श्रीधरणी में मेरा सोलो था, उसमें बिल्कुल ही काम चेंज हो गया और मैं फिगरेटिव से बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चली गई। और तब से फिर जब वो कर लिया तो इतनी फ्रीडम महसूस हुई कि मुझे किसी सेट पैरामीटर में काम नहीं करना है। मैं आर्ट में क्यों हूँ? मैं आर्ट में अपनी फ्रीडम के लिए हूँ, अपने लिबरेशन के लिए हूँ, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी कभी थी नहीं आर्ट। तो मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मेरे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस थी, तो उसके कारण मैं अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। कई बार आर्टिस्ट जो करना चाहता है वो ना करके वो मार्केट से गवर्न हो जाता है क्योंकि उसके पास उसकी मजबूरियाँ होती हैं। मेरी कोई इकोनॉमिक मजबूरी थी नहीं। ये नई किताब है। अच्छा, ये इस एग्जीबिशन की बुक है रोशनी का सफर जी। अच्छा, इसमें अच्छा नज़मों की जो बात करी थी हर पेज जी, और ये नज़में भी मेरे पूरे एक एक नज़्म अपने हाथ से लिखी है। अच्छा, इसी हाथ से लिखा है इसको, अपनी हैंडराइटिंग कंप्यूटर से नहीं किया आपने? नहीं नहीं, ये सब पूरा हैंड रिटन किया हुआ। मतलब ये सारा जो है टेक्स्ट जो है हाथ से लिखा हुआ, जितनी भी नज़्में और साथ में पेंटिंग है उनके साथ में। जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफर पर हूँ, ख्वाहिश है रोशनी की रफ्तार से चलूं और वक्त थम जाए, ठहर जाए, जिस्म से परे रूह निकल जाए। मुसलसल जमी की तरह मैं भी रोशनी के सफ़र पर हूँ।